go. All the boots are like, whoa. Think I go. Oh, shit, over. I see. 한여름에 전화결. Yeah, got it cold, blood. Yeah, 너와 있을 때, I swear. 제가 먼더 zero. 폭설한 그 chill day. 꿈에도 I wasn't aware. 나만 빼고 넌 모두에게 참 친절해. 배신감이 들었다 판이 태도 머릿속을 흔들 네 ibuprofen 그만해 it's time to stop 승부욕을 자극하는 style yeah. 알면서도 마음이 자꾸 내게 가 아마 빠져버릴까 अभी मेरी फ्लाइट है जो कि अभी रिसेंटली PIA ने डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट की है कराची से बाकू सिंपल ये सेम पाकिस्तान जैसी ATM मशीन है यहाँ पे आपने कार्ड डालना है इंग्लिश और अज़रबैजान लैंग्वेज है फाइनली ये आ गया जी बाकू का एयरपोर्ट जहाँ पे इसका एग्ज़िट हो गया और मौसम यहाँ पे अच्छा है थोड़ी सी हवा चल रही है हल्की हल्की सी धूप भी लग रही है और ये खूबसूरत सी गाड़ियाँ ये टैक्सी यहाँ पर खड़ी हुई हैं तो अब दूसरा मिशन जो स्टार्ट होता है वो ये है कि मेट्रो का कार्ड लेना है देन उसके बाद मेट्रो लेकर सिटी सेंटर जाना है ऐसा है जी कुछ देखने में बाकू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाहर से बड़ा ख़ूबसूरत बना हुआ है सेम वही लेकिन छोटा है कंजेस्टेड सा है लेकिन ख़ूबसूरत है और ये ख़ूबसूरत सी जो गाड़ियाँ हैं अभी एक भाई ने बहुत कोशिश की है मुझे टैक्सी बेचने की लेकिन मैं पक्का रहा हूँ मैंने दो मन्नत की बस लेकर ही जाना है सिटी सेंटर मैंने टैक्सी पे नहीं जाना टैक्सी यहाँ से ये नॉर्मली ले रहे होते हैं 50 मन्नत या 30-40 मन्नत तो टैक्सी में जो है ना वो सॉरी ऑटो बस में दो मन्नत में लेकर चला जाऊँगा वो सामने खड़ी हुई हैं तो ये रही वेंडिंग मशीन इस पर आपने ये इंग्लिश सिलेक्ट करना है तो दो ऑप्शन आएंगे एक लिमिटेड कार्ड लेना है या फिर आपने परमानेंट कार्ड लेना है तो परमानेंट लेंगे दोनों दो मनात के हैं तो यहाँ से आपने सिलेक्ट किया और अब वो कह रहा है कि कैश इंसर्ट करो इस जगह पे आपने कैश इंसर्ट करना है ये 10 मनात का मैंने कैश इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये उसने कैश ले लिया और अब क्या होगा अब देखता हूँ वो आ गया नीचे कार्ड तो ये रहा कार्ड तो इसको किया ओके तो अब अगर आपने बैलेंस चेक करना है तो आप इस पे कार्ड रखेंगे तो ये आपको बता देगा कि 8 मनात का इसमें बैलेंस आ गया और 2 मनात का कार्ड हो गया चलें जी ये आ गई बस इस बस के ऊपर लिखा हुआ है इसकी निशानी ये है ये इसके ऊपर लिखा हुआ है एयरपोर्ट एक्सप्रेस एंड 1.6 मन्नत तकरीबन $1 का जो है वो इसका टिकट है बाकू कार्ड चलेगा जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि आपको बाकू कार्ड कहाँ से लेना है वो मशीन सामने लगी हुई है वहाँ से आपने बाकू कार्ड लेना है और ये सामने बस का स्टॉप है यहाँ से बस पर बैठेंगे और आप चले जाएँगे 28 मई जो जिसका लास्ट स्टेशन है वहाँ तक चलें जी ये आ गया जी 28 मई का एरिया और यहाँ पे बस ने ड्रॉप कर दिया है ये वाली रही बस और बैग ले लिया है मैंने एंड अब यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ के मुझे जाना है साहिल एरिया है जहाँ पे मेरा हॉस्टल है साहिल ही हॉस्टल का नाम है एरिया का नाम भी साहिल ही है तो उस एरिया में जाना है तो उसके लिए यहाँ से सामने से मेट्रो कहीं से मिलेगी मैं ढूंढता हूँ उसको भी
मैंने मेट्रो तो ली नहीं, लेकिन पैदल पैदल वहाँ से चल पड़ा। इतना ज़्यादा दूर नहीं था, जहाँ से बस ने ड्रॉप किया ना जिस जगह पे, उस जगह से इतना ज़्यादा हॉस्टल दूर नहीं है, तो हार्डली 1 किलोमीटर था। तो मैंने सोचा वॉक कर लूँ, तो अभी वॉक करता हुआ हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। और मौसम यहाँ पे कराची के इस वक्त तो बहुत ठंडा है, लाइक 17-18 टेम्परेचर लग रहा है मुझे। अभी मेरा इंटरनेट चलेगा तो पता चलेगा कि क्या टेम्परेचर है। और काफ़ी ट्रैफिक है सिटी में, बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म का ट्रैफिक है। और है वैसे खूबसूरत, पहला इंप्रेशन तो अच्छा है अभी तक का, और साफ़ सुथरा खूबसूरत है। ले जी, हॉस्टल पहुंच गया हूँ। तकरीबन 10 मिनट की मुझे वॉक लगी है, और चलता चलता हॉस्टल की बिल्डिंग में घुस के अभी 4th फ्लोर पे हॉस्टल है। तो लिफ्ट से ज़रा ऊपर जाता हूँ, फिर हॉस्टल की अपडेट करता हूँ, और देन उसके बाद आज का व्लॉग एंड कर दूँगा और फिर मैं रेस्ट करूँगा। चलें जी, फाइनली ये रहा मेरा हॉस्टल, एंड चेक इन हो गया। अभी इंटरनेट भी कनेक्ट किया वाईफाई के साथ, थोड़ा सा काम वाम देखना था वो देखा, एंड कुछ बाहर से हॉस्टल दिखा देता हूँ, बाकी डिटेल में जो है ना वो कल दिखाऊंगा। तो बाहर से कुछ देखने में इस तरह सा है, मींस लॉबी। ये है जी हॉस्टल की लॉबी, हॉस्टल का नाम है साहिल हॉस्टल, एंड ये इनका रिसेप्शन है, और ये खूबसूरत सी वॉल है। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही दिखाऊंगा, और ये मेन कॉमन एरिया सिटिंग का, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। इतना रश नहीं है अभी, कम ही लोग हैं, बट अच्छा है, साफ़ सुथरा है। बाकी यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं ज़ाहिर सी बात है 1-2 दिन में ही बता सकूँगा, क्योंकि मैं शायद यहाँ पे 2 या 3 दिन स्टे करूँगा, फिर उसके बाद आगे का ट्रिप अपना प्लान करूँगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे अराउंड 15 दिन रुकना है बाकू में, देन उसके बाद मेरा आगे का कहीं और कंट्री का प्लान है, तो उसके वीज़ा का भी मुझे वेट करना है, एंड देन फिर मैं उसके लिए मूव करूँगा। वो जब वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तभी आपको मैं उसके लिए उसके बारे में बताऊँगा। तो सो ये रहा आज का सफ़र कराची से लेकर बाकू, और बाकू एयरपोर्ट से बाकू हॉस्टल तक। उम्मीद है कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन जितनी मैक्सिमम मैं दे सका आपको मैंने दी है। और अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नरिमा।